गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिटॉक्स डाइट के बारे में बिकॉज डिटॉक्स डाइट एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो मेरे चैनल पे। डिटॉक्स कब इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कि बहुत ज़्यादा खा लिया है अब मुझे रेस्ट मोड पे डालो, मुझे थोड़ा अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, मेरे बॉडी मुझसे टॉक्सिन जो है वो रिमूव करने हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है बॉडी, बहुत ज़्यादा स्वेल हो रही है, ब्लोटेड हो रही है, बहुत ज़्यादा अजीब सा अनइजीनेस सा फील हो रहा है कि यार नहीं खाने का मन है, नहीं खाया जा रहा, बहुत हो गया, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, बस मन कर रहा है एक रेस्ट मोड पे दें बॉडी को। जब भी बॉडी को प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आप लोग लेते हो, जब भी आपका फूड प्रॉपर नहीं होता तब आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे डिटॉक्स चाहिए। बिकॉज अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो वेट लॉस नहीं होगा, साथ साथ आपका वो जो वेट है वो स्टक हो जाएगा, उसके अलावा ब्लोटिंग हो जाएगी, साथ साथ एसिडिटी हो जाएगी, तो हम वो चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहते अपनी डाइट में। इसीलिए बीच में एक डिटॉक्स करने का जो प्लान रहता है बहुत अच्छा रहता है। आयुर्वेदा में भी ये लिखा है कि आप लोगों को डिटॉक्स करना चाहिए बिकॉज डिटॉक्स जो है वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, और जब भी हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा चीज़ें जो वेस्टेज है वो निकल जाएगा तो हमारा वेट अपने आप लूज होगा, उसके लिए फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे अलग से। तो इसीलिए डिटॉक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे डिटॉक्स की ज़रूरत है, मुझे ब्लोटिंग हो रही है, मुझे एसिडिटी हो रही है, मेरी बॉडी स्वेल कर रही है, तो ये वाली डाइट आप फॉलो कर सकती हो। डाइट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ। सो फर्स्ट रूल इज़ स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस लेना नहीं है, देना है, ये वाली चीज सोच लो। डिटॉक्स कर रहे हो, स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना वेट गेन होगा, अगले दिन गेन हो जाएगा, वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके अलावा सेकंड चीज है स्लीप, प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप वेट लॉस पे हो। अगर आप 7 to 8 hours की स्लीप नहीं लेते ना, आपका वेट बार बार इश्यू करेगा, कभी स्टक हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा अजीब फील होगा, क्योंकि आपका स्लीप प्रॉपर नहीं होगा तो आपका पूरा डे खराब जाएगा ना, फिर आपका कुछ करने का मन होगा, सब आपको लगेगा मेरा ब्रेकफास्ट भी लेट हो गया, मेरा लंच भी लेट हो गया, मैं डिनर कब करूँ, तो वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं चाहिए हमारे वेट लॉस में। उसके अलावा वाटर इनटेक, अगर आप डिटॉक्स कर रहे हो अपना वाटर इनटेक अच्छा रखो, 3 to 4 liters रखो वाटर इनटेक, अगर उससे कम होगा तो डिटॉक्स होगा ही नहीं बॉडी का। बॉडी में टॉक्सिन निकालने हैं, लिक्विड बहुत अच्छे क्वांटिटी में बॉडी में डालना पड़ेगा तब भी वो टॉक्सिन्स निकलेंगे। उसके अलावा अगर आपको नॉर्मल वाटर पसंद नहीं है ना, बहुत लोगों को नहीं होता यार, नहीं हमें नहीं पसंद, हमें बिल्कुल नहीं पसंद नॉर्मल वाटर लेना, हमसे पिया ही नहीं जाता वाटर, हम कैसे पिए, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी टिप है, वो अपने वाटर में ऐड कर सकते हैं कुछ भी फ्रूट, जैसे एप्पल ले लिया, एप्पल कट करके ऐड कर दिया, उसके अलावा आपने लिया कीवी, उसके अलावा ऑरेंज ले लिया, फ्रूट लेने का मन नहीं है कुकुम्बर ऐड कर लिया, टोमेटो ऐड कर लिया, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या ऐड करना है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जिसका टेस्ट आपको पसंद हो, ताकि डिटॉक्स अच्छे से हो, वाटर अच्छे से जाए बॉडी में। अब हम आ जाते हैं हमारी डाइट पे, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करने। अब हम डाइट पे आ जाते हैं, डाइट से पहले लूज कितना होगा, अच्छे से फॉलो करोगे 2-3 kgs आराम से लूज होगा 7 days में, बट अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, वो बिल्कुल है कि आप अच्छे से फॉलो नहीं करोगे, बीच में कर दिया खराब उसको डिटॉक्स को, थोड़े दिन फॉलो किया, 2 दिन तीसरे दिन नहीं किया, तो नहीं होगा। अगर आप चाहो तो एक फिक्स कर लो कि मुझे 5 days ही फॉलो करना है, मुझे 7 days नहीं करना, बट 5 days मैं अच्छे से फॉलो करूंगी। अगर आप 7 days का टारगेट बना रहे हो तो बीच में उसको खराब नहीं करना कि 3 days फॉलो किया फिर मैंने ब्रेक ले लिया, वो चीज़ नहीं करनी, एक पहले ही नोट कर लो। उसके अलावा वेट चेक करो, वेट डेली चेक करो, अब वेट आप अपने नोट पैड में ऐड करते जाओ डेली मॉर्निंग में कि आज मेरा ये वेट है, कल ये है, पूरा का पूरा, ताकि आपको पूरा डाटा मिल जाए कि एंड में हमारा कितना वेट लॉस हुआ। अब हम आ जाते हैं डाइट पे, डाइट में हम सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक में लेंगे 1 glass कैरेट का जूस, इसकी रेसिपी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। कैरेट जूस इसीलिए लेना है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, एंड अभी के टाइम पे जब समर है तो मॉर्निंग में मन नहीं करता कुछ भी गर्म वाली ड्रिंक लेने का, इसलिए कैरेट जूस सबसे अच्छा ऑप्शन है, सो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट में हम कुछ अच्छा सा लेंगे, अब उसमें मैं आपको काफ़ी ऑप्शन दूंगी। फर्स्ट है किनोवा, किनोवा की रेसिपी मेरे चैनल पे है। सेकेंड ऑप्शन मैं आपको दूंगी मूंग दाल का चिल्ला, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है।
प्रोटीन सोर्सेज हम ऐड करेंगे। थर्ड, किनोवा खाने का मन नहीं है, मूंग दाल चीला खाने का मन नहीं है, उसके अलावा आप ले सकते हो बेसन का चिल्ला, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। इसके अलावा आपका तीनों में से कुछ भी खाने का मन नहीं है तो आप ले सकते हो सूजी के उत्तपम, उसकी रेसिपी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मैं ऐड कर दूंगी। उसके अलावा अगर आपका मन नहीं है चारों में से कुछ भी लेने का, नहीं मुझे चीला भी नहीं पसंद, नहीं मुझे उत्तपम भी नहीं पसंद और ना ही मेरा किनोवा खाने का मन है, तो आप ले सकते हो वन ब्राउन ब्रेड का सैंडविच। सैंडविच में आप स्टफिंग करोगे पनीर की, साथ में आप वेजीज ऐड करोगे, मयो ऐड नहीं करोगे, सॉसेज ऐड नहीं करोगे, सॉल्ट ऐड करोगे, पेपर ऐड करोगे। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रंच में। ब्रंच में मैं आपको दूंगी वन फ्रूट, कोई भी आप फ्रूट ले सकते हो सीजनेबल, आप मैंगो ले सकते हो। अब बहुत लोगों को रहता है, जब भी मैं डाइट में भी मैंगो इंक्लूड करती हूँ क्लाइंट को, तो उनको रहता है यार मैंगो से कैसे वेट लॉस होगा, मैंगो से ही वेट लॉस होगा। ऐसा कोई भी चीज़ आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है वेट लॉस पे। वेट लॉस का एक सीधा सा फंडा है बैलेंस करना, कंट्रोल करना पोर्शन। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें लोगे, लाइक आप 3 मैंगो ले रहे हो, 2 मैंगो ले रहे हो, तो ऑफकोर्स आपका वेट गेन होगा, बट अगर आप 1/2 मैंगो लोगे तो आपके लिए अच्छा है वो, क्योंकि सीजनेबल फ्रूट। अब मैंगो का सीजन अगर चला गया तो आप उसको विंटर में तो आपको मैंगो मिलेंगे नहीं ना ऑफकोर्स, तो इसलिए आप अभी लोगे मैंगो नहीं। उसके अलावा आप ले सकते हो बनाना, वो भी नहीं तो एप्पल। एप्पल के अलावा आप ऑरेंज ले सकते हो, क्रैप्स ले सकते हो, बेरीज भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फ्रूट पसंद है। और इनमें से भी कोई फ्रूट पसंद नहीं, आप पपाया भी ले सकते हो। पपाया मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट फ्रूट है, तो अगर आप लोगों को भी पपाया पसंद है तो आप ऐड कर सकते हो उसको। उसके बाद लंच में हम मैं दूंगी आपको ऑप्शन है स्मूदीज का। मेरे चैनल पे मैंने रिसेंटली बहुत सारी स्मूदीज अपलोड की हैं, सारी की सारी बहुत अच्छी हैं, मुझे खुद बहुत अच्छी लगी सारी, तो आप इनमें से कोई भी एक स्मूदी पिक कर सकते हो। आप 7 स्मूदी हैं, 7 डेज अलग अलग भी ले सकते हो, कोई आपकी स्किन में हेल्पफुल है, कोई आपके कॉन्स्टिपेशन इश्यू में हेल्पफुल है, तो आप उसकी रेसिपीज मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने जो वीडियो है वो अपलोड कर रखा है। इसके बाद स्नैक्स में आप क्या लोगे, सो स्नैक में मैं आपको दूंगी इवनिंग ड्रिंक जो रहेगी हमारी, वो रहेगी, मैंने अभी अभी रिसेंटली अपने चैनल पे टीज की रेसिपी अपलोड करी है, डिफरेंट टी की, 4 टीज है उसमें, उसमें से कोई भी आप पिक करके एक ले सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपका वेट बार बार स्टक हो जाता है, एसिडिटी होती है, तो वो वाली जो ड्रिंक्स है वो बहुत हेल्पफुल है, तो उसमें से कोई सी भी एक ड्रिंक लो। उसके साथ आप लोगे 4 सोक्ड आलमंड्स। आप सोक्ड आलमंड क्यों लेने हैं, बिकॉज अभी समर है, अगर आप नॉर्मल आलमंड लोगे या नॉर्मल कोई भी ड्राई फ्रूट लोगे तो पिंपल का इश्यू बहुत ज्यादा आएगा, स्किन बहुत ज्यादा इश्यू करेगा, तो इसीलिए आप ट्राई करो जो भी ड्राई फ्रूट ले रहे हो सोक करो उसको, टाइम नहीं है तो 3-4 आवर्स के लिए सोक करो, वो भी चलेगा। अब इसके बाद में आपको डिनर, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिटॉक्स डाइट का, डिनर में मैं आपको दूंगी ऑप्शन सैलेड्स का। सो मेरे चैनल पे स्वीट पोटैटो की सैलेड की रेसिपी अपलोडेड है, आप वो ले सकते हो। वो लेने का मन नहीं है, आप करेला सैलेड ले सकते हो, वो भी मन नहीं है। उसके अलावा आप ले सकते हो बेल पेपर का सैलेड, तीनों में से कोई भी एक सैलेड पिक कर सकते हो। अब मन नहीं है सैलेड लेने का तो आप ले सकते हो ओट्स। ओट्स में आपको वेजीज ज़्यादा ऐड करनी है, ओट्स कम लेने हैं। लाइक अगर आप 70-80% वेजीज ऐड कर रहे हो तो 30-20 का रेशियो होना चाहिए ओट्स का। वाटर ज़्यादा ऐड करना है, सॉल्ट थोड़ा कम ऐड करो, बिकॉज अगर डिटॉक्स पे हो सॉल्ट थोड़ा कम इनटेक करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा जो मैंने आपको रूल्स बताए थे वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपको डाइट के साथ फॉलो करने हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट कि आपके लिए ऐसी डाइट्स में और ज़्यादा लेके आऊँ तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताना, एंड वीक के बाद आप लोगों को मुझे कॉमेंट में बताना कि आपका कितना वेट लॉस हुआ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट।